अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्रैगन चिकन की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने इसके अंदर शामिल किया है एक अंडा, 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, और स्पाइसेस में जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, जिंजर पाउडर, काली मिर्च और नमक। इसमें सोया सॉस और सिरका करने अच्छे तरीके से मिक्स, और उसके बाद हम करेंगे इसको फ्राई। चिकन जो है मेरा वेरी लेट हो गया है, अब मैं इसको 30 मिनट्स का रेस्ट दूंगी और उसके बाद मैं इसको करूंगी फ्राई। यहाँ पर जो है मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। वेजिटेबल्स जो मैंने ऐड कर लिए हैं वो है गाजर और शिमला मिर्च, जिसको मैंने जो है वो क्रिंकल वाली नाइफ से काट लिया था। ये मेरी कैरेट है एंड दिस इज़ माय शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो प्लेन काट लें, अगर आपके पास ये वाली नाइफ नहीं है तो आप सिंपली इसको इस तरह के क्यूब्स में काट सकते हैं। बनाने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ करूँगी वो आता है सेसमी ऑयल, मामा सीता की ऑयस्टर सॉस, केचप एंड चिली सॉस, और मैं यूज़ करूँगी डार्क सोया सॉस। आप लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट ड्रैगन चिकन में जो है वो हमेशा डार्क सोया सॉस ही यूज़ होता है। तो आपने सबसे पहले जो है इसके अंदर ऐड करनी है केचप। 1/4 कप मैंने ली है केचप, 1/4 कप ली है मैंने चिली गार्लिक सॉस। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयस्टर सॉस, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसके अंदर ऑयस्टर सॉस डालनी है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हमारे पास डार्क सोया सॉस, 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा अदरवाइज़, और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर सेसमी ऑयल जाएगा। सेसमी ऑयल आपने कम डालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए हमने ज़्यादा क्वान्टिटी इसकी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। मैं ऐड कर रही हूँ 1 चिकन स्टॉक क्यूब, 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। अब इसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो मिक्स कर लें ताकि हमारे पास एक सॉस सी बन जाए, और अब हम बनाना शुरू करेंगे अपनी ग्रेवी। सबसे पहले आपने डालना है तेल, आएगा फ्रेश लहसुन अदरक कुटा हुआ, 5 इसमें मैंने डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब आपने इसको फ्राई करना है, कॉन्स्टेंटली आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर स्टर करना है ताकि जो है हरी मिर्चों का फ्लेवर निकले। अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे तो हरी मिर्चों का फ्लेवर नहीं निकलेगा, कहीं से वो पक जाएंगी और कहीं से वो कच्ची रह जाएंगी। तो आप इस तरीके से इसको पकाएं जब तक कि हमारा लहसुन और अदरक थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना ना शुरू हो जाए। मैं शामिल कर दूँगी मैं अपनी कटी हुई सब्ज़ियाँ। फ्लेम आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसको ऐसे स्टर फ्राई करना है। मैं नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ सब्जियों पे। मैं इसमें शामिल कर दूंगी हमारी प्रिपेयर सॉस, पानी आपने डालना है उसके अंदर। शामिल कर दूंगी नट्स, ये मैंने पीनट्स लिए हैं, कैश्यू नट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सिर्फ इसके अंदर पीनट्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा अब मैं इसको पानी डाल के पकाऊंगी क्योंकि गाजरें जो हैं आपको पता है वो गलने में टाइम लेती हैं, ताकि वो थोड़ी सी गल जाएं। उसके बाद बस हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अपना चिकन ऐड करेंगे एंड देन वी आर डन। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारा चिकन जो हमने फ्राई किया था। इधर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, और बस अब इसको कवर करके रख देंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए।
तो ये मेरा ड्रैगन चिकन बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने सेसिमी से और ग्रीन अनियन से गार्निश किया है। आप इसको राइस के साथ एंजॉय करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।